Hey guys, good morning, welcome to my YouTube channel. I am Rahul Comeback. दोस्तों आप सब कैसे हैं? Guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। और मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक मेरा सेकंड चैनल भी है, कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी प्रोफाइल है। और आज जो मेरे पास स्टूडेंट मेरी आने वाली है वो बहुत एक्साइटेड है, उनके पास हुंडई की वर्ना है और उन्होंने कम समय में बहुत ही अच्छा जजमेंट और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है और बहुत एक्साइटेड रहती हैं ड्राइविंग को लेके। बहुत ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि उनको एक चीज़ बताओ तो दो चीज़ वो कैच कर जाते हैं, दो बताओ तो चार कैच कर जाते हैं। कुछ लोग हैं कि उनको 10 बार तो को एक चीज़ के लिए तब भी वो सेट नहीं, तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि नॉट एजुकेशन, ये माइंड का गेम होता है, मल्टीटास्किंग है। जितना ज़्यादा आप सीरियस होकर चलाओगे उतनी जल्दी चीज़ों को कैच कर जाओगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को करने से पहले, प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरिकल हो सीखना ज़रूरी है। टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आप कार सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं या आप एक्साइटेड हैं तो कार में बैठ के पहले कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं जैसे ABC, एक्सीलेटर, क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग का कमांड, सिग्नल्स यूज़ करना, लेफ्ट का सिग्नल किधर करना, राइट का करना कब करना, कैसे करना, हेडलाइट कब ऑन करना है, लेफ्ट वाला साइड मिरर, राइट वाला साइड मिरर, गियर पैटर्न है, जैसे गियर की प्रैक्टिस है कि गियर कब कौन सी साइड में लगाना है, और एक्सीलेटर से ब्रेक पे पैर कैसे लाना है, ब्रेक से एक्सीलेटर पे पैर कैसे लेके जाना है, क्या हमें पूरा पैर उठाना चाहिए या बिना पैर उठाए हमें पैंडल को यूज़ करना चाहिए, क्लच को कब दबाना और कैसे दबाना है। दोस्तों अगर आपने इन सब बातों को पहले समझ लिया ना तो कार आपके लिए एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। जैसे कि आप खेल खेल में बाइक साइकिल सीख जाते हैं ना, ऐसे खेल खेल में आप कार बाइक से आसान है, कार जो है बाइक से आसान है क्योंकि आप उसमें सेफ हो। बट क्या है कि थोड़ा सा चीज़ों को समझना ज़रूरी है पहले। हम गलती क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे बैठ जाते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद होता क्या है कि बाद में बड़ी दिक्कत आती है कि करना हमें कुछ होता हो कुछ जाता है। मेरे साथ मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत एक्साइटेड है, इनके पास अपनी हुंडई की वर्ना है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सो गए, कन्फ्यूज़ हो गए? मैंने कल आपसे बताया था, मैंने कहा था आज नहीं हो पाएगा तो कल मॉर्निंग में 9 से 10, क्योंकि 9 वाली को मैंने पूरा 1 घंटा कल दे दिया था तो 9 से 10 उनको करा दिया था, तो उनका टाइम मैं आज आपको दे दूंगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने शायद आपको मेरे से कहा था कि कल, तो मैंने कहा था कल का अगर शाम का हो जाएगा तो मैं करा दूंगा, कॉल करूंगा, तो आज का शाम की बात नहीं करी थी। अब आज के बाद जो भी आपकी क्लासेज हैं वो नाइट की होंगी, ठीक है? रेडी, सीट एडजस्ट कर लो, प्लस दबा के देखो पता चल जाएगा, ठीक है? सीट बेल्ट लगा लूँ? आज कौन सा डे है आपको? 11 डेज, ओके। अब 4 डेज जो आपके बचेंगे, आज मैं लेके चल रहा हूँ आपको गोमती नगर की तरफ, इधर चलेंगे कमता फ्लाईओवर होते हुए और शहीद पथ होते हुए उधर हयात की तरफ, ठीक है? रेडी है? चलो सीट बेल्ट वगैरह लगा ली, गियर और देख लूँ कौन सा गियर है कौन सा नहीं है। चलो देखते हैं आज कैसा चलाएंगी आप। नींद खुल गई है? नींद में तो नहीं, पक्का? चलो, इन्होंने बहुत कम समय में और बहुत जल्दी चीज़ों को कैच किया है और बहुत ही अच्छी कार ड्राइव करती हैं। और क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कार को फर्स्ट गियर में रोक कर वापस मूव करना। अगर गाड़ी में जर्किंग आ गई या गाड़ी बंद हो गई तो इसका मतलब आपको क्लच का अंदाज़ा नहीं है। अगर कार बिना बंद हुए, बिना झटके लिए हुए गाड़ी उठ गई, इसका मतलब आपको फर्स्ट गियर का कंट्रोलिंग समझ में आ गया कि फर्स्ट गियर में कार को कैसे उठाना और कैसे रोकना है। तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है कि बिना कार को बंद किए और बिना झटके के कार को मूव कर लेती हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। अभी 2 डेज़ मैं आपको नाइट में सिखाऊंगा, फिर 2 डेज़ आपकी वरना चलवा दूंगा, ठीक है? अभी यहाँ पे जैसे चौराहा आ रहा है तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है, चारों तरफ देख के तब निकालना है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे कई बार क्या होता है ना, लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी ज़्यादा उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर हम कार चला रहे हैं तो इससे बाइक वालों से 10 गुना हमें सोच के चलना है, उसको बचाना भी और ख़ुद को बचना भी है। और अगर हम इससे बड़ी गाड़ी चलाएंगे तो और ज़्यादा सीरियस होना है। गुड, गजब,
मैडम ने देखो कितना ज़बरदस्त थर्ड गियर डाला और पता भी नहीं चला इन्होंने कब गियर चेंज कर दिया, कब क्लच दबाया। ये होता है कॉन्फिडेंस गियर लगाने का और गियर पैटर्न को समझने का और क्लच दबाने का। मैचिंग इनका बहुत अच्छा है, टाइम पीरियड जो इनका है वो बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को ये कैच कर लेती है और बहुत कम समय में चीज़ों को कंट्रोल भी कर लेती है। पहला गियर, पहला गाड़ी रुकने के बाद हमेशा फर्स्ट गियर, क्योंकि इसलिए क्योंकि गाड़ी बंद नहीं होगी। अगर आप सेकंड गियर में उठाने की कोशिश करेंगी, अगर गाड़ी धीरे धीरे आपकी चल रही है तब तो आप हाफ क्लच पे हल्का एक्सीलेटर लेके सेकंड गियर में बढ़ा सकते हो। अगर गाड़ी प्रॉपर आपकी खड़ी हो गई है तो फिर वहाँ पे कोशिश ये करो कि फर्स्ट गियर में बढ़ा के फिर सेकंड गियर करो, नहीं तो गाड़ी आपकी झटके से बंद हो जाएगी। क्योंकि सेकंड गियर को मिनिमम स्पीड चाहिए होती है 20 और फर्स्ट गियर को 0 to 10, तो फर्स्ट गियर में ईजी बढ़ जाएगी। और अगर आप सेकंड में बढ़ाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको क्या, थोड़ा सा क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर ज़्यादा ले लो। ऐसे में लेकिन क्या होता है, हमारी क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती और गियर बॉक्स भी डैमेज हो जाता है। जो अभी सीवर का ढक्कन था उससे सटा के कभी नहीं निकालना, वरना आपके टायर की बैंड बच जाएगी, क्योंकि उसका जो सीवर के ऊपर कॉलर लगा है ना लोहे की पत्ती, उससे टायर कट जाता है। या तो उसको प्रॉपर बीच उसे टायर रगड़ के ना निकले। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे लेफ्ट शहीद पथ के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे गोमती नगर। अभी जैसे यहाँ पे रेड लाइट आ गई है तो बी अलर्ट है, देख के थोड़ा सा अपना गाड़ी डाउन करके जितना आप कंट्रोल कर सको अपना लेफ्ट ही दबा के चलेंगे आप। जितना लेफ्ट रखेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोग राइट दबा के टर्न करते तो पीछे का पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी वजह से पीछे का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। बाकी अभी आप अकेले अपनी कार निकाल सकती हैं, चला सकती, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आपका हो गया। मेरा कोई क्लच ब्रेक पे पैर नहीं है, ना ही तो मैंने इस्तेमाल करना है और ना ही मैं करना चाहता हूँ। आप 100% चीज़ों को आपने टाइमली से सही टाइम पे आपने क्लच ब्रेक को समझ लिया, सीख लिया है, इसलिए आपका कंट्रोलिंग अच्छा हो गया। पैरों में थोड़ा सा गैप रखो हल्का सा, ताकि पैंडल आसानी से ईजिली आपका आ सके। अभी स्पीड बढ़ा के आप गियर चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप NH24 पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्लो चलोगे तो भी दिक्कत होगी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा राइट वाले मिरर को, लेफ्ट वाले मिरर को बार बार चेक करते रहना, लुकिंग ग्लास को। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लेफ्ट और राइट में चल क्या रहा है। कुछ लोग अचानक लेफ्ट राइट से निकल आते बिना हॉर्न दिए, बिना सिग्नल दिए, उन लोगों से बचना है। और जब भी आप राइट से लेफ्ट जाओगे या लेफ्ट से राइट जाओगे तो सिग्नल का यूज़ ज़रूर करोगे, बिना सिग्नल के आप ना लेफ्ट जाएंगी ना राइट जाएंगी। अब ऐसे रोडों पे अगर आपने कार चला ली तो क्या कभी दिक्कत आएगी आपको चलाने में? क्योंकि इस टाइम अच्छा खासा रहते, ऑफिस का टाइम है तो भीड़ भी ठीक ठाक है, गाड़ियां लेफ्ट से राइट से। डिवाइडर रोड पे चलाना थोड़ा इजी रहता है, अगर सिंगल रोड पे हम चलाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि सामने से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और यहाँ पे कोई सामने से खतरा नहीं है आपको, तो यहाँ बहुत आसानी से आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड, अभी यहाँ से हमें राइट से सही पर जाना है, 10 जाना 10 आना 20 किलोमीटर हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। बट एक गलती अभी करी आपने, थर्ड गियर डालने के बाद स्पीड कम नहीं करी थी, क्लच को रिलीज कर दिया तो हुआ क्या, गाड़ी में जर्क आ गया है ना। जब हम गियर कम करते हैं तो उसके साथ साथ स्पीड भी कम करते हैं, ताकि सीधा निकालो, जहाँ स्कॉर्पियो जाएगी वहीं पर। बस थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखना कि लोग दाएं बाएं से पहला गियर कर लो, हालांकि सेकंड में आप बढ़ा सकती थी, बट हमको चांस नहीं लेना है ना कि हमारी गाड़ी बंद हो जाए, इंजन बुझ जाए। देखो सामने ट्रक भी आ रहा है, बस बढ़ा लो स्पीड, चलो चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं ना, स्पीड बढ़ाओ। गुड, फटाफट स्पीड बढ़ा के सेकेंड गियर कर लो फुर्ती से, गाड़ी में जर्क नहीं आना चाहिए। गुड, अभी स्पीड मेंटेन कर लो,
स्पीड बढ़ाऊँ और थर्ड गियर डालूँ, गुड। सेकंड से जब थर्ड में आते हो ना तो गियर को बहुत लाइट पकड़ा करो, जब अगर टाइट करोगे तो थर्ड की जगह फर्स्ट चला जाएगा और थर्ड की जगह फिफ्थ भी जा सकता है, क्योंकि अगल बगल ये फर्स्ट और फिफ्थ अगल बगल है, तो जब आप उसको बहुत लाइट पकड़ोगे ना तो बहुत ही स्मूथ उसी डायरेक्शन में जाएगा वो, गुड। स्टीयरिंग संभल गया है आपका, स्टीयरिंग अब बहुत अच्छे से आप पकड़ दिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, अभी गाड़ी की स्पीड क्या है आपकी 40+, गियर क्या है आपका फोर्थ गियर, तो फोर्थ में आप 40-60 चल सकती हैं, अभी 60 अब आप गए, आप अभी आपको 60 अब जाने के बाद गियर भी चेंज करना है, अच्छा खासा ट्रैफिक है, राइट ही दबा के रखो, क्योंकि आप अगर 40+ चल रहे हो तो अपना पूरा राइट दबा के रखोगे। जाओ जाओ जाओ, स्पीड मेंटेन कर लो थोड़ा, हाँ, ताकि पीछे से आने वाले लोग आपको डिस्टर्ब ना करें, अगर राइट में आप बहुत ज़्यादा स्लो चलोगी ना तो पीछे वाले डिस्टर्ब करेंगे आपको। राइट दबा के रखो, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, चलो जाओ बढ़ाओ स्पीड, जाने दो, अभी आपको यहाँ थर्ड कर लेना था क्योंकि फोर्थ गियर में थी ना, अब चलो तो बढ़ गई, चलो चलो चलो, अगर ऐसी सिचुएशन हो, मेरे सिखाया हुआ है जा रहा है, बढ़ाओ रेस करो, स्पीड बढ़ाओ, जाने लो, फोर्थ गियर डालो, चलो घबराओ मत, आप अच्छा चला रही हो, बहुत इस बैच की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो, अब तो खुश हो जाओ। लेकिन गड़बड़ नहीं करनी ना। इतनी तारीफ कर दी मैंने। बढ़ाओ, नहीं वाकई में आपने बहुत कम समय में बहुत जल्दी चीज़ों को पिक किया है, स्पीड बढ़ाओ, 60 अब जाना है, 50 गियर डालना है आपको, टाटा अल्ट्रोज वाला वो मुझे दिखा रहा था, देखो सर आपने सिखाया तो मैं कितनी गजब, पहले स्लो चल रहा था फिर उसने दबा दिया एकदम एक्सेलेटर कि देखो मैं कितनी अच्छी चला रहा हूँ, बस चलते रहो, गुड। सो गाइस आप देख सकते हैं 60 के आसपास चल रही है और फोर्थ गियर में, और क्या नाम है आपका, बड़ा डिफिकल्ट नाम है, स्पीड बढ़ा लो और फिफ्थ गियर भी आप डाल सकते हो, नो डाउट, बाकी फिफ्थ तो थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, लाइन नहीं चेंज करना है, जब मैं बोलूँगा तब लाइन चेंज करना है, इन सब रोडों पे ना एक लाइन में हमको चलना होता है तो यहाँ डिस्टर्ब नहीं होता है, अगर हमें दाएं बाएं करना है तो फिर उसमें लाइन चेंज करते टाइम थोड़ा ध्यान देना है, अभी हमें ना यहाँ तो चलो चलते रहो, अभी 7 किलोमीटर बढ़ाओ स्पीड बढ़ाओ, जाओ आप, मेरी ड्राइविंग से सेटिस्फेक्शन है, है ना, बहुत अच्छे से सिखाया है, बहुत अच्छे से, फिर हमारे स्टूडेंट को क्या बोलना है, हमारे जितने सब्सक्राइबर को क्या बोलना है, जो भी गाड़ी सीखनी है आपसे ही सीखे आके, ओके, तो गाइस अगर ये अगर हाँ, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे, बहुत गजब चलाया आपने।